पॉइंट चित्तौड़गढ़ को प्राप्त होता हुआ। अब इनकी सर्विस है, ये रही सर्विस, एक दो ये तीसरी, एक दो ये तीसरी, एक नहीं आ पाई इधर, एक और पॉइंट मिलता हुआ चित्तौड़गढ़ को। बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। इसके बाद जो मैच होने हैं पाली और बारा, पाली और बारा दोनों टीमें तैयार रहे। जोरदार स्पाइक है हवा में सेट, ये फिर सेट कर दी, ये स्पाइक सामने से ब्लॉक, ये सेट, ये स्पाइक सामने से ब्लॉक और उन्हीं के पाले में जाके बॉल गिरी, लेकिन एक अंक प्राप्त होता हुआ। बहुत कुछ होता है वॉलीबॉल में, बहुत तेजी से होता है, इसकी कमेंट्री क्रिकेट से कहीं कठिन है। क्रिकेट में तो एक जना बॉल कर रहा है, बैट कर रहा है, यहाँ बारह जाने कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये देखिए ये सर्विस है, या भाई एक ये सेट करेगा, सेट ये स्पाइक, अब सामने से कोई जवाब नहीं, एक पॉइंट आता हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से इस सेट में चित्तौड़गढ़ की टीम, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी चित्तौड़गढ़ की टीम काफी अच्छी, लेकिन झुंझुनू को कम नहीं आंक सकते, थोड़ा सा उनको वो शायद अभी ये सेट किया, ये लप्पा बॉल थी, ये सेट कर दिया, ये स्पाइक और अंदर ही गिरी है, इसलिए एक पॉइंट मिलेगा चित्तौड़गढ़ को। बेहतरीन तरीके से खेलते हो, झुंझुनू को अब थोड़ा सा अपना जोश जगाना होगा, क्योंकि ये अंतर अगर बढ़ता चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। बहुत ही शानदार खेल वॉलीबॉल, जितना जानोगे उतना मजा आने वाला है इसमें, इतना सिंपल नहीं है जितना। ये देखिए ये सर्विस है, लेकिन बाहर गिरी जा करके तो झुंझुनू को नंबर मिलेगा, क्योंकि सर्विस बाहर नहीं गिरनी चाहिए, अंदर ही गिरनी चाहिए, 9 मीटर जो ये एरिया होता है। अब इनकी सर्विस होगी, देखिए ये सर्विस है, एक हो गया, दो ये सेट कर दिया, ये स्पाइक है, सामने से जवाब नहीं दे पाए, एक पॉइंट मिलता हुआ चित्तौड़गढ़ की तरफ। इस मैच के इसके बाद में पाली और बारा का मैच है, तो दोनों टीमें ये जो दूसरा कोर्ट है ना लड़कियों वाला, वहां पे जाके वार्म अप हो जाएं। ये देखो सेट किया, ये फिर सेट किया, ये स्पाइक, ये नेट में रहेगी, एक और पॉइंट मिलता हुआ चित्तौड़गढ़ को। सर्विस चित्तौड़गढ़ की, ये तीसरा हो गया, एक ये सेट, ये लप्पा, ये लप्पा होता है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल बॉल, ये लप्पा बोलते हैं इसको, लारा लप्पा लाई रखता, पंजाबी में गाना भी है, पंजाबी में लारा लप्पा का मतलब अलग होता है, फुसलाए रखना। और दर्शक खूब मजा लेते हैं, फिर से लप्पा बॉल, फ्री फॉर बॉल, एक और अंक हासिल करके चित्तौड़गढ़। ये रणनीतियां होती हैं, फटाफट एक ही रणनीति से आप दो पॉइंट निकाल के ले गए, सामने वाली टीम को जल्दी से आपकी स्कोर मैं चाहूंगा बता दिया जाए। स्कोर हवा में बॉल है, बाहर नहीं अंदर गिरी है, एक पॉइंट और मिलेगा चित्तौड़गढ़ को। बेहतरीन तरीके से सेट में खेलते हुए चित्तौड़गढ़ झीलों की नगरी से ये खिलाड़ी, झुंझुनू को थोड़ा वो साइड रास नहीं आई है शायद। स्कोर मैं आपको बता देता हूं, 9-4 सॉरी, पांचवा पॉइंट मिलता हो झुंझुनू को, 9-5 है चित्तौड़गढ़ और 5 झुंझुनू के हैं। आप खुद भी गिनना सीखिए, ये देखिए ये सेट और ये स्पाइक, बाहर गिरके बॉल, झुंझुनू को छठा पॉइंट मिलता हुआ, 6 पॉइंट मिल गया झुंझुनू को। और याद ही आपको चित्तौड़गढ़ के पॉइंट है 9-6-9। ये सेट कर दिया, ये स्पाइक सामने से ब्लॉक, लेकिन Yeah.
स्कोरर की तरफ से कोई इशारा नहीं अभी, और थोड़ा सा बीच बीच में साउंड भी चला दिया करें। हेलो, झुंझुनू को एक और अंक मिलता हुआ, ये जो अंतर है वो थोड़ा कम होता हुआ। साउंड मैन से मेरी रिक्वेस्ट है, बीच बीच में जब गैप हो जाता है ना तो चला दिया करो थोड़ा सा। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बीच में ये मैच चलता है। दूसरा सेट, ये सर्विस सामने से उठाया, ये सेट, ये स्पाइक सामने से ब्लॉक, एक और अंक झुंझुनू को। अब रंग में आती हुई दिख रही है ये टीम, थोड़ी देर ऐसा लगा था कि थोड़ा इनका मोमेंटम जो खो गया था वापस प्राप्त करते हुए जल्दी से। और यहाँ तक स्कोर कैसा, चित्तौड़ के जो पॉइंट है वो 10 और झुंझुनू के 9, इसी बीच बेहतरीन बन जाता है वो चित्तौड़ की तरफ से, और अब उनका स्कोर हो गया 11 और 9, यानी कि कुल मिलाकर 2 अंकों की लीड लिए हुए हैं यहाँ पर चित्तौड़। बेहतरीन एफर्ट देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। इसी बीच एक और बंच, लेकिन खुद के ही पाले में गिरता हुआ बॉल और पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर अब की बार। बारह और नौ का मुकाबला भी चलता हुआ बीच मैदान में, इसी बीच बेहतरीन बंच था लेकिन संभाला पूरी तरह, और अब की बार गेंद का बैलेंस बनाए हुए और हवा में भी सामने से रोक नहीं पाए, और सीधी गेंद उनके बारे में गिरती और एक नंबर मिलता हुआ झुंझुनू को, और इससे एक अंक का स्कोर हो गया है 10-12। के सामने से कितना शानदार ब्लॉक किया, स्पाइक बहुत अच्छा था, ब्लॉक उससे भी शानदार था। ये एक हो गया, ये दो सेट कर दी, ये लप्पा लेकिन संभाल लिया, और संभालों की अभी भी है के पास ये स्पाइक ऊपर चलेगी, बॉल अंदर लाएंगे, इसको ला सकते हैं। स्पाइक वहां से खोद के निकाला, डिग कर लिया स्पाइक, लेकिन बाहर गिरती है बॉल, बाहर गिरी है बॉल, नंबर मिलेगा चित्तौड़गढ़ को। बहुत शानदार होता हुआ ये मैच, दोनों ही टीमें पॉइंट है अभी तक दोनों ही टीमों के, अब बेहतरीन एफर्ट दिखाती हुई दोनों ही टीमें, और थोड़ी सी यहाँ पर दर्शकों ने अपनी चुप्पी को खोलते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए बेहतरीन स्पोर्ट मिलती हुई यहाँ पर दोनों ही टीमों को। इसी बीच गेंद को हवा में लहराती हुई और बैलेंस और कौन सा गाना था, हर गेंद गिरी लेकिन अभी भी, और एक और पॉइंट मिलता है झुंझुनू को, और इस टाइम जो स्कोर है झुंझुनू के 11 और चित्तौड़ के 13। सर्विस करेंगे झुंझुनू साइड से, और अच्छी सर्विस थी और चित्तौड़ ने संभाला भी और बेहतरीन बन जाता हुआ, और चित्तौड़ को सुनील गोटिया, सतपाल सिंह मान, जिनकी प्रयास से, मक्खन सिंह जी, इन सबके प्रयास से ये टूर्नामेंट गांव का नजारे लेता हुआ नहर वाला गांव की धरती पर ये टूर्नामेंट आयोजित होता है, और जो बेहतरीन जिलों की बेहतरीन टीमें 12-14 का मुकाबला ब्लॉक करने का प्रयास, और मैकल जैक्सन भी पहुंच चुके हैं रणबीर जी आपके बगल में, देख लीजिएगा और दसवां वाला ये माइकल जैक्सन है हमारे एरिए के, ये डांस करेंगे हमारे बॉल, ये सेट, ये फिर सेट, ये स्पाइक सामने से खोद लिया, ये सेट पॉइंट मिलता हुआ, लेकिन शायद चौथी बार हो गया था ऐसा लगा, और
रेंपल जी अब कहीं ना कहीं दर्शक अपना थोड़ा सा इस मैच में आनंद लेते हुए बेहतरीन है। इससे अगला मैच वो ज्यादा भावनात्मक रूप से तगड़ा होने वाला है और चूरू का मुकाबला होगा। डेफिनेटली चूरू की टीम बहुत ही अच्छी टीम है और उनके कोचेस साहिबान हमारे पास भी बैठे हैं, उनसे मनगणना हुई थी मेरी और काफी अच्छी टीम मानी जाती है उनकी और मैं सपोर्ट करूंगा उसको। मैं वेट कर रहा हूँ पाली वर्सेस 12 मैच का और सभी दर्शक भी कर रहे हैं और बीच मैदान में टाइम आउट चल रहा है और माइक बनाई जा रही है और कोचेस बताई जा रहे हैं उनको कुछ ऐसी हिदायत दे रहे हैं। फिलहाल दोनों टीम पाली में पहुंचती हुई मैच फिर से स्टार्ट होगा और इसी बीच सर्विस आती हुई अब की बार झुंझुनू साइड से और बेहतरीन बन जाता हुआ पॉइंट मिलेगा चितौड़ को और इस पॉइंट के साथ स्कोर हो गया 15 और 14 का मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीमें बेहतरीन अपना प्रदर्शन करती हुई बीच मैदान में दूधिया प्रकाश में नहाया वो ग्राउंड झुंझुनू को मिलता हुआ ये पॉइंट। एक एक पॉइंट के लिए पूरी लड़ाई होती है और तभी खूबसूरत लगता है ये खेल। काफी लंबी रैली चले उसके बाद जो टीम किसी टेक्निक से उस बॉल को जमीन पर रख पाई ये देखिए ये तो किल हो गया जल्दी से पॉइंट मिल गया। जितनी देर हवा में बॉल रहती है उसको रैली कहते हैं। झुंझुनू की सर्विस ये सेट किया ये फिर सेट किया ये सामने से ब्लॉक और झुंझुनू को पॉइंट मिलता हुआ 17 और 15 मात्र 2 पॉइंट्स का अंतर है और क्या वो अंतर पूरा कर पाएगा। फिलहाल चित्तौड़ गेंद को संभाले और इसी बीच बेहतरीन पंच आया था लेकिन आप यहां पर नजाकत के साथ नंबर बैठाता हुआ यहां पर झुंझुनू 18 और 15 का मुकाबला चलता हुआ अब शायद झुंझुनू 18 और 15 चित्तौड़ एक पॉइंट अब चित्तौड़ को और मिलता है। कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है इसीलिए ये खेल बहुत तेज है। इसमें कितना क्रम 16 और 18 का मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान में और इस मैच के लाइव किया जा रहा है भादु फ्लाई बिग चैनल पर जो भी देखना चाहे यहाँ पे बैठ के उसका मैच का आनंद ले सकता है। बीच मैदान में बेहतरीन पंच एक देखने को मिला स्मैश झुंझुनू साइड से नंबर मिलता 19 और 16 का मुकाबला 3 अंक का अभी भी अंतर दोनों टीमों के बीच में। झुंझुनू की सर्विस खोद के निकालने के पाले में रहेगी बॉल एक अंक मिलता हुआ झुंझुनू को। झुंझुनू 16 वापसी करते हुए 20-16 झुंझुनू की सर्विस चित्तौड़ के पाले में बॉल एक ये सेट ये स्पाइक सामने से ब्लॉक का कोशिश लेकिन ये सेट ये स्पाइक ये सामने से बॉल हवा में उठा दिए ये सेट कर दिया है स्पाइक के लिए नहीं गए और क्योंकि पॉइंट पहले मिल चुका था 4 बार हो गए थे। 21 और 16 का मुकाबला चलता हुआ क्या लगता है रेंपल जी मैच किस तरफ जाएगा? तीसरा सेट शायद तीसरा सेट ये देखिए हवा में बॉल है सेट कर दिया फिर से हल्का से हाथों से कई बार गेम बहुत स्लो भी हो जाता है। ये देखिए स्पाइक सामने से संभाल लिया अब की बार है चित्तौड़ का नंबर मिला है 17 और 21 का मुकाबला चलता हुआ। अगर झुंझुनू इस सेट को जीत लेता है तो थर्ड सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रेंपल जी। हाँ फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहला सेट जीत चुके हैं और अगर वापसी करता है तो फिर तीसरे सेट की जरूरत पड़ेगी और झुंझुनू भी यही चाहेगा कि तीसरा सेट ना हो क्योंकि जल्दी से जल्दी इस जीत को अपने नाम करना चाहेगा और मौके को भुनाना नहीं चाहेगा और कहीं ना कहीं वही साबित करता हुआ इसी बीच बेहतरीन पंच लेकिन अभी अच्छा एफर्ट दिखाते हुए झुंझुनू के खिलाड़ी। इसी बीच एक और बेहतरीन पंच आया था लेकिन संभालते हुए इसी बीच चतुराई के साथ हल्के से लेकिन 2
पॉइंट मिलते हुए 18 और 22 का मुकाबला, 4 पॉइंट्स का अभी भी अंतर है। सॉरी फिंगर फाउल था वो, और हम ज्यादा क्रिकेट खेले और उसी के अनुरूप शायद कुछ ना कुछ हम गलत पकड़ पाते हैं। बेहतरीन स्मैश बैक आता हुआ, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर झुंझुनू को। 19 और 23 का मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान में, दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए और काफी बासों गाजों के साथ आए हुए लोग और पैसा वसूल करते हुए। और इसी बीच खराब यहाँ पर अब की बार गेंद को उठा रही भाई खोद कर निकालना चाहते थे, रणपुर जी मान बता रहे थे वो एफर्ट देखने को नहीं मिला। अब की बार सफल लिए 20 और 23 का मुकाबला चलता हुआ, गेंद और कहीं चित्तौड़गढ़ ने जल्दी से पॉइंट और बना लिए तो तीसरे सेट की नौबत आने वाली लग रही है मेरे को। रेंपल जी स्कोर है फिलहाल 21 और 23 का मुकाबला चलता हुआ, मात्र 2 अंकों का ही अंतर है। और एक और शॉट बेहतरीन आता हुआ झुंझुनू साइड से और सेट पॉइंट है ये। अब एक पॉइंट और हासिल करते हुए इतनी जल्दी से नहीं छोड़ेंगे चित्तौड़गढ़ वाले। 22 और 24 का मुकाबला है, 22 है झुंझुनू और सॉरी 24 और चित्तौड़ है 22। फिलहाल सर्विस करता हुआ चित्तौड़ और गेंद हवा में लहराती हुई और इसी बीच बैलेंस बनता हुआ दोनों टीमों के बीच में और बेहतरीन स्मैश बैक था लेकिन उठा नहीं पाया चित्तौड़ और झुंझुनू को पॉइंट मिलेगा। और इस सेट को भी उन्होंने और इस मैच को भी जीत लिया है और झुंझुनू ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। तीसरे इस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ी और यहां पर जो 47वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में जैक्सन साहब थोड़ा एक्शन दिखा दो और जिसमें मनोज जी पांडा, सुनील जी घोटिया, दानाराम जी गीला, राजेंद्र सिंह पांडी और इनका बलजीत सिंह जी नाम से बेहतरीन योगदान है और हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जितने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन उन्होंने करवाया और पूरे गांव के सहयोग से। और ये भी वक्त भूलना नहीं।